नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये एक कोटी का ये कॉलर बताऊंगी। देखिए ये बहुत ही सुंदर कॉलर है, आपको मैं ये पूरी डिजाइन डाल के बताऊंगी कि किस किस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये मैंने 20 फंदे डाले हैं इसमें। ये देखिए 20 फंदे डाले हैं मैंने। ये हम पहले एक फंदा ले लेंगे और यहाँ से हम जाली स्टार्ट करेंगे। आगे डाल के जाली हम पारेंगे तो ये दो फंदे लेंगे साथ में इस तरीके से। फिर से जाली डालेंगे, फिर से दो फंदे लेंगे। ये देखिए ये दो दो फंदे डल गए हैं और जाली भी डल गई है। और फिर से डालेंगे, ये तीन जाली हो गई हैं। ये चार हो गई हैं। फिर से आगे करके हमें पांच जाली डालनी है। एक दो तीन चार, चार हो गई हैं। इधर हम फंदे तो जाली तो डालेंगे, धागा आगे ले लिया, जाली डाल दिए, लेकिन हम दो नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। इधर हमने एक ले लिया। ये 10 फंदों में पांच फरी डल जाती हैं, 11 फंदों में। और इधर बाकी हम इन फंदों को उल्टा कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये नौ। ये 10वां फंदा हम एक तरफ से बुनेंगे और एक तरफ से उतारेंगे। ये सीधा चले इस वजह से हम ये धागा यहीं से फेर लेंगे और इधर से उतार लेंगे सीधी तरफ से। और इस फंदे को हम पीछे पीछे से बुन लेंगे, इससे ये सीधा चलता रहेगा। ये पीछे से हम पूरे ये उल्टी निकालेंगे। ये देखिए जो जाली में फंदा बढ़ाया है इसको भी हम बुन लेंगे। इधर देखिए ये सीधा फंदा हमने लिया था, इसको सीधा ही लेंगे। और इधर जो जाली पे फंदा बढ़ा है इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। इधर इस जाली के फंदे बढ़ते जाएंगे, इसको हम सीधा करते जाएंगे और दूसरी जाली डाल देंगे इस पे। फिर डालेंगे ये हम फिर ऐसे ही लेंगे, दो का एक करेंगे। ये फंदा और ये दोनों साथ में लेंगे हम, ये दोनों फंदों को एक साथ लेंगे। यानी पांच फंदे ही जाली के, इसमें एक फंदे का फंदा बढ़ता जाएगा, जो जो पहले लिया है हमने इसके फंदे बढ़ते जाएंगे और ये यहीं के यहीं कम होते जाएंगे, घटेंगे बढ़ेंगे साथ साथ। ये देखिए जाली वाला फंदा और जी हमें साथ ही लेना है दोनों। इस पे हम बार बार ये धागा आगे करके जाली डालेंगे, लेकिन ये एक ही बुनेंगे। ये 10 फंदे हम उल्टे बुनेंगे।
ये फंदा हमें आगे की साइड से नहीं बुनना है, लास्ट वाला मुझे पीछे से ही बुनना है। पीछे से सारी सिलाई, सारे फंदे उल्टे ही बुनने। देखिए आगे से, ये पहले मैंने सीधा एक फंदा लिया था, अब ये तीन हो गए। ये हर सलाई पे बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ हम जाली डालेंगे, लेकिन इसके साथ में ये दोनों बनाएंगे। देखिए फिर जाली डालेंगे, फिर हम ये दोनों बनाएंगे। ये देखिए अभी तीन सलाई निकल गई हैं, अब ये चौथी सिलाई डालूंगी। इसी तरह से हम जाली पे जाली डालते हैं। इधर जो फंदे हैं ये सीधे बढ़ते जाते हैं, यहाँ एक था तो तीन जालियों पे ये तीन फंदे बढ़ गए, अब ये चार हो गए। ये चार हो गए, यहाँ हम अब के फिर जाली डालेंगे, ये दो का एक करेंगे। फिर से डालेंगे, ये फिर से दो का एक करेंगे। ये जाली में याद रखें, जो जिस सीधा फंदा है ये पहले, और जो जाली वाला जो फंदा है जो बड़ा हुआ ये बाद में, ये दोनों को एक साथ पोते हैं। इसे ही यूँ तिरछी जाती हैं। देखिए हमें इस पे भी एक फंदा सीधा रखना है। ये हमारी ये पांच जाली हो गई, और यहाँ जाली तो डालनी है लेकिन ये फंदा सीधा रख लें बुनना है। बाकी हम ये 10 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारी पांचवी सलाई है, ये इधर सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे और इस पर जाली डलती जाएगी, और इसके साथ हम ये फंदा घटाएंगे। ये देखिए ये सीधा बुन लेंगे, ये पांचवी सिलाई है। इसी तरीके से हम तीन सिलाई और निकालेंगे, तीन आगे से तीन पीछे से। ये जो गांठ गांठ हैं ये सिलाई हैं, ये चार हुई हैं, चार और हो जाएं, आठ के बाद फिर मैं बताऊंगी। ये देखिए आठ सिलाई हो गई हैं, अब ये मेरी नौवीं सिलाई चल रही है। इधर भी ये 9 फंदे हो गए, अभी हम ये सिलाई इसी तरीके से निकाल लेंगे जो पहले मैं निकाल रही थी।
ये हमारी 10 पीस सलाई है, और यहाँ पर भी ये 10 फंदे हो जाते हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा या 11 फंदे हो जाते हैं, फिर हम दूसरी बुनाई डालते हैं। अभी ये सिलाई 10वीं सिलाई पे हम घटा के बताएंगे। ये देखिए, ये हमारी 10 सिलाई हो गई हैं, ये 10 जाली हो गई हैं, यहाँ पे भी 10 11 10 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम अब जी ये जो 10 फंदे हैं उल्टे, ये मैं एक साथ घटा दूँगी। ये देखिए, ये उल्टे फंदे मैंने एक साथ घटा दिए। अब इनको हम इधर से ऐसा ही बन लेंगे उल्टे ही। देखिए ये उल्टी निकाल दी मैंने, और यह वो हम अब हम यहाँ सीधी से दोबारा से मैंने ये फर्स्ट पहली सिलाई से डाली थी डिजाइन, इसी तरीके से अब यहाँ फिर से स्टार्ट होगी। एक फंदा ये ले लेंगे, देखिए अब यहाँ से हम फिर एक जाली डालेंगे, और ये जो सीधे फंदे हैं अब हम इन पर डिजाइन डालेंगे, ये जाली डालेंगे। ये हमारे ये 10 फंदे थे, इन पर 10 पर 5 जाली डल गई हैं, और एक हम ये सीधा कर देंगे। बाकी के ये फंदे बचे, ये 10 फंदे बचते हैं, इनको हम उल्टा कर देंगे। जो पहले जाली थी इनके ऊपर ये हम उल्टे ले लेंगे। इस तरीके से कट के डलती है। अब यहाँ जाली डलेंगे, यहाँ उल्टे हो जाएंगे। पीछे से बिल्कुल सीधी सिंपल निकालनी है, कुछ नहीं करना है, आगे से बताऊंगी। देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है, अब हमें ये फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से हमने यहाँ सीधे किए थे, अब ये यहाँ सीधे करते जाएंगे, ये साइड वाले, और ये हम धागा आगे करके ये 2 का 1 करेंगे। ये 10 सलाइयों पे केवल 10 फंदे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यही हम जब 10 के बाद में ये 10 एक साथ घटा देते हैं उल्टे फंदों को, फिर ये वही की वही हो जाते हैं। ये दूसरी सिलाई है, इसी तरीके से हम 9 सलाई ऐसी निकालेंगे, फिर 10वीं पे घटाएंगे। ये देखिए ये हमारी 10वीं सिलाई है, 10वीं सिलाई हम इसी तरह निकालेंगे।
ये इधर से सीधा बनाने के लिए याद रखें, ये फंदा बाद में उल्टी साइड से बुने। ये हमारी दो डजन पूरी हो गई हैं। अब मैं ये जो उल्टे फंदे हैं इनको एक साथ घटाऊंगी, जो पहले घटा के बताए थे मैंने आपको। ये 10 फंदे कट गए, अब मैं फिर ये उल्टा निकालूंगी सीधी। ये देखिए इस तरीके से डलती है, हमारी दो डजन हो गई हैं। अब तीसरी हम इसी तरीके से डालेंगे, आपको मैं ये भी डाल के बता देती हूँ, फिर आप इसी तरीके से ये घटा घटा के डालती जाएं। यहाँ पे हमारी 10 फंदे हो जाते हैं, एक फंदा हम ये सीधा लेंगे, फिर यहीं पे हम ये दोनों फंदे साथ में डालेंगे। जो नई डिजाइन शुरू करते हैं वो इसी तरीके से डालते हैं, फिर से धागा आगे डालेंगे, फिर ये दो फंदे साथ में लेंगे, फिर से धागा आगे डालेंगे, फिर ये दो फंदे लेंगे, ये इसी तरीके से हमारी 5 चाली हो गई हैं। और इस पे हम जो लास्ट बारी है इस पे हम धागा आगे करके ये सीधा बुन लेंगे और बाकी के ये फंदे उल्टे कर देंगे। इसी तरीके से जी कट कट के डल जाती है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस पे ये चलती है, फिर यहाँ पे ये टल जाएगी।